हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीना क्विजिन। चलिए आज हम बनाएंगे वेज फ्राइड राइस। फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें पहले चावल ले लेंगे। ये देखिए, ये बासमती चावल है, इसे मैंने धो के रखी हूँ। इसे अभी पानी में मैं भिगा दूँगी। इसको 10 मिनट के लिए हम चावल को भिगाएंगे। इसमें अभी हम नमक डालेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे, इससे चावल खिला खिला होता है। चलिए अब हम इसे 10 मिनट रख देते हैं। 10 मिनट हो चुका, अब हम इसे गैस पे बिठा देते हैं। देखिए अभी चावल उबल चुका है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी पक जाता है। देखिए अभी हो चुका है चावल, इसे अब हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या क्या सब्जी हम लेंगे। अभी हम लेंगे मटर, बीन्स, गाजर, काजू, किशमिश, और यहाँ पर दो लौंग है, और ये है चकड़ी फूल इसको बोलते हैं, और एक छोटी इलायची। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाने पर, अभी देखिए तेल गरम हो चुका, इसमें हम वो चकड़ी फूल डाल दिए, फिर इसमें हम लौंग और छोटी इलायची डालेंगे। इसे थोड़ा फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे गाजर। गाजर डालेंगे उसके बाद, और जो सब्जी है बीन्स और मटर डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें अभी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हम चावल में भी नमक डाले हैं, इसीलिए इधर थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। देखिए अब ये मसाला भून चुका, इसमें हम अभी डालेंगे काजू और किशमिश। काजू और किशमिश डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा मिला लेंगे। ये सब्जी भून चुका है, अभी हम इसमें चावल को ऐड करेंगे। देखिए चावल कितना खिला खिला हुआ है, अब हम इसमें चावल को ऐड कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ, इसमें और कुछ नहीं मिलाऊंगी। देखिए इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब अगर नॉनवेज खाते हैं तो इसमें आप चिकन और अंडे को डाल सकते हैं, आप इसमें प्रॉन भी डाल सकते हैं। चलिए अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। अभी 2 मिनट हो चुका, अब हम इसे खोल लेते हैं। देखिए अभी चावल हो चुका है, देखिए इसे हम अच्छे तरह से मिला लेंगे। देखिए कितना सुंदर खिला खिला चावल हुआ है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये बहुत ही इजी है और सिंपल तरीके से बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कैसे लगा है। तो आज इतना ही, नमस्कार।